अस्सलामुअलैकुम किचन ऑफ एवरीथिंग में आपका वेलकम। तो आज मैं लेकर आई हूँ अंडे आलू की रेसिपी जो बहुत आसानी से बन जाती है। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 8 अंडे। तो अंडों को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, अब इनको हम छील लेंगे। तो देखिए अंडे भी मैंने छील लिए हैं। इसके लिए हम ऑयल लेंगे, तो ऑयल मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। तो इसमें हम अंडों को फ्राई करेंगे। तो देखिए अंडे भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके लिए हमने जो मसाले लिए हैं, इसके लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और कुछ मैंने खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। एक इलायची ली है मैंने बड़ी, 4-5 मैंने लौंग ले ली हैं, 2 तेज पत्ता लिए हैं, 1/2 चम्मच काली मिर्च ली हैं और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए लिए हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिनको मैंने पीस लिया है। और इसके लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/2 ही चम्मच हम अदरक का पेस्ट लेंगे। तो जो हमने मसाले लिए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया, इनको हम मिक्स कर लेंगे। इसके लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है। आलू भी मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे तो इनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मसाला भूनने के लिए हम 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, तो जो खड़े गर्म मसाले हमने लिए थे वो इसमें डाल देते हैं। मसाला भी हमने इसमें डाल दिया है। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून लेना है हमें। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। तो मसाला हमारा देखिए भुन चुका है। जो हमने दही लिया था वो भी इसमें डाल देते हैं। और मैंने सूखी मेथी ले ली है तो ये भी हम इसमें डालेंगे। तो देखिए मेथी भी हम डाल देते हैं इसमें। मसाला हमारा भुन चुका है, हम इसमें पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से डालिए पानी, आपको कितना पानी चाहिए। और जो अंडे हमारे थे वो अंडे भी हम इसमें डाल देते हैं। आलू भी डाल देते हैं इसमें। और हम इसमें अब नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। इसके लिए हमने फ्रेश धनिया लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे इसमें। तो आपको कैसे लगी मेरे अंडे आलू की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे अंडे आलू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।